पंचतत्व में विलीन स्वर कोकिला। लता मंगेशकर के भाई के बेटे आदित्य ने दी मुखाग्नि। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। दर्शन के लिए मुंबई की सड़कों पर उमड़ा सैलाब। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति पीएम ने जताया शोक। राज्यपाल मुख्यमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। शोक में डूबा फिल्म जगत। गायकों और अभिनेताओं ने जताई गहरी संवेदना। देश में कोरोना केस 1 लाख से नीचे आ गए। रविवार रात तक संक्रमण के 43,084 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,98,737 मरीज ठीक हुए और 893 लोगों की मौत हुई। यूपी में स्कूल और कॉलेजेस में 7 फरवरी से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोविड 19 के चलते प्रशासन ने 6 फरवरी तक यूपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, यानी आज से ये पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी प्रचार के लिए दिन रात एक कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वे लोगों से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 4 पदाधिकारियों को अभद्रता करने के दौरान पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने कार्रवाई करते हुए जिला अध्यक्ष अनुज सिंह, जिला उपाध्यक्ष अख्तर हुसैन सहित जिला महासचिव विनय मिश्रा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिनकी टोपी का रंग लाल, उसके कई कारण हैं। अखिलेश यादव से पूछे ये सवाल। जयपुर के होटल लीला में कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सीएम गहलोत प्रदेश प्रभारी माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा विधायकों को देंगे मंच। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सोनिया गांधी की ओर से भी चादर पेश। सीएम गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पेश की चादर। गोविंद सिंह डोटासरा भी रहे मौजूद। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पीएम मोदी की चादर पेश। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चढ़ाई चादर। देश में अमन चैन की मांगी दुआ। नकवी ने पढ़कर सुनाया प्रधानमंत्री का संदेश। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में उतरे पीएम मोदी। बिजनौर में पहली फिजिकल चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। भाजपा के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब में कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर साफ हुई तस्वीर। राहुल गांधी ने सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान। चन्नी के नाम का किया ऐलान। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अंधेरी इलाके में गांजे की खेप रखकर वहां से मुंबई के अलग अलग इलाकों में बेचने का काम करते थे। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अलीगढ़ में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने रिटायर्ड एबीसीए के मकान पर धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाश घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी गाड़ी बुक करके ड्राइवर से मारपीट कर गाड़ी लूट लेते थे। आरोपियों ने ओला टैक्सी को बहन की तबीयत खराब है कहकर लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से टैक्सी के साथ तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया। नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इंटर स्टेट मोबाइल स्नैचर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट के 17 लाख के मोबाइल फोन और बाइक पुलिस को मिली है। पुलिस ने बताया कि ये लोग शिफ्ट में अपने काम को अंजाम देते थे। पठानकोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पठानकोट पुलिस ने 12 किलो हेरोइन समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली कार और एक ट्रक को भी पकड़ा है। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल मामला जिसमें महिला को गिरफ्तार किया है, जो पेशे से पैरामेडिकल टीचर है। वो एक्सरे मशीन से यात्रियों का सामान चोरी करती थी, लेकिन पुलिस ने मेट्रो कार्ड और सीसीटीवी की मदद से आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हड़कंप मच गया जब यहां चंबल नदी में एक पुरुष का शव तैरता मिला। लोगों ने वहां एक घायल महिला को देखा तो पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस वहां आई तो महिला ने बताया कि उसे उसके पति ने घायल किया। जब पुलिस ने महिला के पति की तलाशी ली तो उसका शव नदी में तैरता हुआ मिला।
आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक 7 साल की बच्ची पर उसके गार्जियन ने खौलता हुआ पानी फेंक दिया। घर का काम करने से मना करने पर उसके गार्जियन ने ऐसा किया जिससे बच्ची झुलस गई और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। करिश्मा तन्ना वरुण बंगेरा की शादी की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दुल्हन के जोड़े में करिश्मा तन्ना बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के खास पल पर पिंक कलर का लहंगा पहना। 26 साल की पाकिस्तानी ट्रांस गर्ल शायरा राय ने मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2020 का ताज अपने नाम किया। इससे पहले उन्होंने 2021 में एक क्राउन को जीता था। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान की पहली मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन है। गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण पर लगेगी मुहर। विधानसभा सत्र में आने वाले बिलों पर होगी चर्चा, तो रीट को लेकर भी कैबिनेट में हो सकता है फैसला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.1 आंकी गई। सुबह करीब 11:27 पर इस भूकंप का केंद्र किन्नौर में जमीन के अंदर करीब 10 किलोमीटर गहराई पर बताया गया। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि मारे गए घुसपैठियों से 36 किलो मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। भरतपुर जिले में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर 30 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी एक दर्जन राउंड फायरिंग की। आंसू गैस के गोले भी छोड़े। धौलपुर की ओर भागे बजरी माफिया। विधानसभा चुनाव के 4th चरण को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की इस लिस्ट से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद रैना का निधन हो गया। त्रिलोक चंद लंबे समय से कैंसर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें गाजियाबाद स्थित आवास पर अपनी अंतिम सांस ली। त्रिलोक चंद रैना भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही है। ममता बनर्जी 7 फरवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी, यानी कि आज पहुंचेंगी। ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ में सपा दफ्तर पहुंचेंगी। यहां से वे सपा दफ्तर से अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे। इस दौरान भारतीय टीम ने स्वर को खिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। दुनिया भर में एक बार फिर शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजारों के साथ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी एक बार फिर रौनक लौट आई है। इस वजह से शनिवार को बिटकॉइन 2 सप्ताह के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। खबर कोटा से, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की चिंतन बैठक बीजेपी की नकल है। डीडवाना के आधा दर्जन से ज्यादा किसानों को जमीन कुर्क करने के नोटिस मिले। डीडवाना के उपखंड अधिकारी कार्तिक मीना ने नोटिस भेजा है। जैसलमेर के केरालिया आयनाथ मंदिर में चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। कोटा के किशोरपुरा में चंबल तट पर जलकुंभी हटाने गए जवानों की नाव पलट गई, जिसमें आरएसी के जवान डूबते डूबते बचे। नागौर के बेड़वा गांव के पूर्व सरपंच मधु कंवर की ओर से गौशाला में एक टीन शेड निर्माण कार्य करवाया गया। इस दौरान श्री माधोपुर के एसडीएम दिलीप सिंह ने गौशाला में निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। झालावाड़ में पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक नीरज शर्मा और न्यूरो सर्जन नितिन द्विवेदी ने अपने विचार रखे। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक बाइक पर 3 तस्करों को 450 ग्राम अफीम के साथ धर दबोचा और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। सीकर के नेचवा थाने में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को शांति भंग करने बंद कर दिया और मामले की जांच में जुट गए। अजमेर के ब्यावर में संगरवंशी माली समाज विकास समिति ने कनेवरी माता मंदिर का वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 12 के अंतक हिदाय मुख्य नहर में एक बच्चा जिसके पैर फिसलने से वो डूब गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने सर्च अभियान शुरू किया, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया।
अजमेर के ब्यावर में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना ने लोगों को एक नई जिंदगी दी और इस योजना ने लोगों के घरों में बीसलपुर का अमृत पानी पहुंचाया। जोधपुर में 1 फरवरी से पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह और मोहन सिंह अनशन पर बैठे हैं। 5वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, महात्मा गांधी अस्पताल के ओपीडी में चेकअप कर लिया गया है। अजमेर के ब्यावर में मगरा ग्रुप राजस्थान ने दूसरा स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पप्पू पहलवान ने मगरा ग्रुप के सदस्यों का स्वागत किया। बूंदी के केशव राय पाटन में घरेलू कार्य के लिए एक युवक को बजरी लाना महंगा पड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 बाइकों सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में वार्ड बॉय कर्मचारी ने प्रदर्शन किया और अस्पताल पीएमओ पर वेतन और नियमित करने की मांग पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही मांगे जल्दी पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी। सिरोही के शिवगंज में नामदेव ठाकुर मंदिर में छिपा समाज ने नामदेव जी का वार्षिक महोत्सव मनाया। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने नामदेव जी की पूजा अर्चना की। बोली थाना में सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों और ग्राम रक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा की गई, साथ ही महिला बाल अपराधों की रोकथाम को लेकर विचार साझा किए गए। अजमेर के बीसांगम में युवक ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर के बोली में जानवर को बचाते समय असंतुलित होने से बस पेड़ से टकरा गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर में घर में आग लगने से रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में करीब 90,000 रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। तमाम कोशिशों के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ के बिरोल गांव में ग्रामीणों ने जीएसपीएल प्लांट लगाने के समय किए गए वादे पूरे नहीं होने पर विरोध किया। इस दौरान सरपंच नरेंद्र कड़वाल ने कंपनी अधिकारी राकेश शर्मा से वार्ता कर 3 दिन का समय दिया, साथ ही 3 दिन बाद बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। नागौर के कुचामन में रोडवेज बस ने वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से डीएसपी संजीव कटेवा मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। सीकर में पुलिस मित्र सदस्यों से चर्चा की गई। पुलिस मित्र सदस्यों के साथ ये बैठक की गई। पुलिस मित्र सदस्यों की चर्चा में तय हुआ कि संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन और गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर पुलिस को सूचना देंगे। बाड़मेर में एक दुल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने घर ले आया, जिसके बाद शादी के चारों ओर चर्चाएं होने शुरू हो गईं। इस दौरान दुल्हे के परिवारजन दुल्हन के स्वागत के लिए आते दिखे और इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सवाईमाधोपुर के बामनबाद से विधायक इंदिरा मीना का डांस एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल इंदिरा मीना ग्राम खेड़ा और पीपलादा के शादी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। लता मंगेशकर का डूंगरपुर से भी नाता रहा है। डूंगरपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन राज सिंह डूंगरपुर से आत्मीय रिश्ते रहे। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके की घाटोली चौकी पर बजरी माफिया और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बजरी माफिया पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गई। 100 बजरी माफियाओं ने पुलिस पर करीब 30 राउंड फायरिंग की। भरतपुर के बयाना कोतवाली परिसर में सुरक्षा सखियों की बैठक ली गई। इस दौरान सुरक्षा सखियों ने अपने कार्य अनुभव साझा किए, साथ ही सखियों ने आधिकारिक पहचान पत्र की मांग की। नागौर रिको में 75 भूमि का ई ऑक्शन किया गया, जिसमें 33 को अप्रूव किया और 27 को निरस्त किया। 11 पर फैसला होना बाकी है। इस पर वीसी के जरिए अशोक गहलोत और रिको एमडी अर्चना सिंह फैसला लेंगे। नागौर के दीदवाना के डंपिंग यार्ड में कचरे का उचित निस्तारण नहीं होने के कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, वहां कचरा निस्तारण के लिए लगाई गई मशीन भी बंद पड़ी हुई है। नागौर के दीदवाना में आयोजित ब्रह्मोत्सव में भगवान जानकी वल्लभ की परिणय कलह लीला का मंचन हुआ। इस दौरान रूठी हुई लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच प्रणय और कलह का सुंदर मंचन किया गया। झुंझुनू में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कई इलाकों में हेलमेट की जांच की और इस मौके पर यातायात प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने हेलमेट विक्रेताओं को ISI मार्क हेलमेट बेचने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, 5 सदस्यीय जांच समिति आ जाएगी फिरोजपुर। घटना को लेकर समिति करेगी पड़ताल।
ब्यावर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय को 4 बाईपैप मशीन उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविड सहित 7 रोगियों के मरीजों के उपचार की सुविधा में सुचारू होगा। जयपुर में सेंट्रल पार्क में 14 महंगी ब्रांडेड घड़ियां, रेडीमेड गारमेंट कचरे के ढेर में पड़े मिले। सूचना मिलने पर जेडीए के वन संरक्षक महेश तिवारी मौके पर पहुंचे, अशोकनगर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने सेंट्रल पार्क पहुंचकर सामान जब्त कर लिया। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे में एक बंद दुकान में अचानक आग लग गई। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। धौलपुर बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, वहीं ऐसा ही मामला नेशनल हाईवे 11B पर सामने आया। यहां छावरीपुरा गांव के पास बजरी से भरे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दुर्घटना में एक की मौत हो गई, दूसरे की उपचार के दौरान मौत हो गई। जयपुर से जैसलमेर आई प्रशासनिक सुधार कमेटी की टीम ने सरकारी विभागों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की पोल खोली। टीम ने जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 4 डॉक्टर नदारद मिले, वहीं कुछ कर्मचारी भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। बीजेपी इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रही है। वहीं मामले को लेकर विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा है। नागौर की नई जिला जेल 35 बीघा पर बनेगी। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद नागौर तहसीलदार को जमीन चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। नागौर जेल की क्षमता करीब 70 बंदियों की है और यहां 2 गुने बंदी हमेशा मौजूद रहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर श्री विजयनगर के निजी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया, वहीं उनको स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया गया। इस दौरान राजेंद्र राठौर ने सरकार पर निशाना साधा। स्वर कोकिला लता दीदी के निधन से देशभर में शोक की लहर है। सरदार शहर के अंदर भी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्री नाथ ग्रुप की ओर से श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान लता दीदी को याद करते हुए नमन किया गया। माउंट आबू में वन क्षेत्र में वन्य जीवों की संख्या लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बात करें भालू की तो भालुओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब धीरे धीरे लेपर्ड की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लता दीदी भारतीय संस्कृति की ध्वजवाहक थी, जिन्होंने बेमिसाल सुरों में संजोए अपने गीतों की बदौलत भारत की आवाज और इस देश के गीतों को पूरी दुनिया में मकबूल किया।